हाय एवरीवन, प्रकृति आनंद दिस साइड। आज इस वीडियो में अगेन मैं अपने मेंटर्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। कहीं ना कहीं उनका जो थॉट प्रोसेस है फॉरएवर को लेके, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। एंड ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें भी मैं अपने मेंटर के साथ हूँ। एंड फॉरएवर बीइंग प्रोडक्ट्स में सोरिंग मैनेजर एक, आप कह सकते हो, एक लेवल होता है। एंड ये हमारे मेंटर हैं मिस्टर सुरेंद्र गुप्ता सर, तो उनके साथ का ये फ़ोटो है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, ये पटना RDO जो है फॉरएवर का, जो ऑफलाइन ऑफिस होता है हर कैपिटल में, हर स्टेट के कैपिटल में होता है। ऑलमोस्ट अभी 19 RDO हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो उसी में से एक पटना RDO का एक पिक्चर है। अब मैं आपसे, जो मेरे मेंटर हैं मिस्टर तरुण अग्रवाल सर, जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, मेरे गाइड हैं, मेरे कोच हैं, उनका एक वीडियो शेयर करूंगी कि क्या टॉप 3 प्रॉब्लम्स हैं इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए एंड आप राइट डिसीजन ले सको इस बिज़नेस के रिगार्डिंग। तो आप इस वीडियो को ज़रूर कम्प्लीटली देखना। मेरा पर्पज़ यही है कि आप मेरे मेंटर्स के थ्रू आप इस बात को समझ पाओ, जो एक बहुत एक एक्सपीरियंस पर्सन है जॉब में, जिनका एक्सपीरियंस रहा है आई टी फील्ड से, वो बिलोंग करते थे एंड उसके बाद उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो क्या उनके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है, क्या माइंडसेट है, वो कैसे वर्क करता है, आप इस वीडियो में बहुत क्लियरली समझ पाओगे। तो डू वॉच दिस वीडियो एंड कोई भी फर्दर क्वेरी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण अग्रवाल है और मैं अभी इस वक्त नोएडा में हूँ। नोएडा से दिल्ली जा रहा हूँ मैं रहता अभी नोएडा में हूँ, और जो मेरा, जहाँ मैं एक्चुअली देहरादून से बिलोंग करता हूँ। सो आठ नौ साल जॉब करने के बाद मैंने एक बिज़नेस अपना स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने एक और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग जो मुझे जानते हैं पहले से, आपको पता है कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। सो पिछले एक साल से मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ। मैंने 13 मई 2016 को मैंने ये बिज़नेस ज्वाइन किया था, और ये एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो कि एक वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, एक नेटवर्क इंडस्ट्री से बिलोंग करती है ये। सो जो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, तो मैंने, मेरे माइंड में यही ख्याल था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, IT इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। सो मेरा वेलनेस इंडस्ट्री से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो क्या मैं इस काम को कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो जब मैंने इसके बारे में और सीखा, समझा और एनालाइज़ करा इस बिज़नेस के बारे में, तो मुझे लगा कि, मैंने जब ये रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि रिसेशन फ्री है और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा उभर के आने वाली एक इंडस्ट्री है। अभी भी आप देखेंगे वेलनेस एक लग्जरी नहीं है, एक नीड बन चुकी है आजकल के टाइम में। सो एक वेलनेस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। सो जब मैंने ये ज्वाइन किया था 13 मई 2016 को, तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी की मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी, काफ़ी सारे मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे। मैंने अपने जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, उनसे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में। और जब मैं पूरा सेटिस्फाइड था और जब मुझे लगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो फाइनली मैंने ज्वाइन किया था। सो सभी कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कंपनी के बारे में और इस बिज़नेस के लिए, इस बिज़नेस को करने में काफ़ी एक्साइटेड फील करता हूँ। बट एक चीज़, कुछ चीज़ें, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर एक चीज़ तो पॉजिटिव है ही, बट 3 ऐसे पॉइंट थे जो कि मुझे इस बिज़नेस में नेगेटिव लगते हैं। मतलब कि देर आर 3 मेन प्रॉब्लम्स विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिज़नेस। तो जो 3 प्रॉब्लम्स हैं इस बिज़नेस में, आप ये कह सकते हैं कि 3 जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो पहली मुझे जो प्रॉब्लम लगी इस बिज़नेस में, वो प्रॉब्लम ये है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिज़नेस को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। देखिए, ये प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी है, बट एट द सेम टाइम ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज कोई चीज़ अगर आपको फ्री में मिलती है तो आप उसको, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें स्टार्टिंग में आपका कोई रुपया नहीं लगता, बल्कि कभी भी आपका कोई रुपया नहीं लगता। कंपनी आपसे रुपया नहीं मांगती है, कंपनी आपको फ्री में कहती है कि आप फ्री में ज्वाइन करिए इस बिज़नेस को, इस बिज़नेस के बारे में समझिए और फिर आगे आप बिज़नेस करिए। तो ज्वाइनिंग फ्री है, ये एक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम भी है, बिकॉज लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। और ऐसे कहते हैं ना कि जहाँ लगेगा धन वहीं लगेगा मन, तो लोगों का मन नहीं लग पाता है बिकॉज वो सोचते हैं कि फ्री है, चलो कर लेंगे, आगे कर लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे। तो इस चक्कर में एक ये प्रॉब्लम है। और फॉरएवर टाइप के बिज़नेस में क्या होता है कि लोग ज्वाइन बड़ी तेज़ी से करते हैं क्योंकि फ्री ज्वाइनिंग है,
लेकिन एट्रिशन उतना ही बहुत तेज है, क्योंकि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं फ्री के चक्कर में, बट समझते नहीं है, टाइम नहीं होता उनके पास, इसको प्रायोरिटी में नहीं लेते हैं इस काम को, तो फाइनली फिर जब उनको लगता है कि रुपया नहीं आ रहा तो वो छोड़ देते हैं। तो ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस में है वो ये है कि कंपनी ट्रेनिंग्स फ्री में प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए, कंपनी फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, अगेन ये एक प्रॉब्लम भी है और एक बहुत अच्छी बात भी है कंपनी की। फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है कंपनी के हिसाब से, बहुत अच्छा कर रही है कंपनी, और मैं भी सारी जो भी मेरे को नॉलेज हुई है वेलनेस की, सब फ्री ट्रेनिंग अटेंड करके ही हुई है, मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं करा है, कंपनी ने मुझे फ्री में सब कुछ सिखाया है। बट ये एट द सेम टाइम एक प्रॉब्लम भी है, बिकॉज होता क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो अगेन आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। ट्रेनिंग फ्री है, बड़ा सा एक ऑडिटोरियम है यहाँ पे नारायणा में, इनका ऑफिस है, तो फ्री में वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आदमी सोचता है कि यार कल कर लेंगे, यार परसों कर लेंगे, कौन सा अपना रुपया लगा है। अगर यही अगर 50 रुपये 100 रुपये टिकट अगर कंपनी कर दें, और इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल यहाँ पे NCR में, अगर 50-100 रुपये अगर कर दे कंपनी, तो सोचिए एक बड़ा सा ऑडिटोरियम जिसमें चिल्ड एकदम AC चल रहा है, तो लोग फ्री में ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते हैं। सोचिए अगर हल्का सा रुपया लाख से मांगे ना कंपनी, तो आप वो ट्रेनिंग को ज़रूर अटेंड करेंगे। तो जहाँ अगेन जहाँ लगेगा धन वहीं लगेगा मन, यहाँ मन नहीं लग पा रहा है क्योंकि फ्री में दे दी है कंपनी। तो और तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है फॉरएवर में या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तीसरी प्रॉब्लम यह है कि आपका जो अपलाइन है जिसने आपको आपको स्पॉन्सर किया है, एक्चुअली वो आपका बॉस नहीं है। ओके, तो होता क्या है कि एक अपलाइन को आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, मुझे आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस कंपनी के बारे में, मैं आपको एज अ मेंटर, आपको एज अ कोच, आपको मैं समझाऊंगा बिजनेस के बारे में। लेकिन होता क्या है कि लोग ये समझते हैं कि आपका जो अपलाइन है आपका बॉस नहीं है, और क्योंकि आपका वो बॉस नहीं है आपका अपलाइन, क्योंकि आपका अपलाइन आपका बॉस नहीं है, तो आप अगेन उसकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। ऐसा कहते हैं ना, बिजनेस में और जॉब में क्या होता है कि जॉब में बॉस का डर, आदमी एक्चुअली मरता कहाँ है, आदमी मरता यहाँ है, जॉब में बॉस का डर और व्यापार में लॉस का डर। ना यहाँ पे कोई बॉस है, उसे कोई डर नहीं है, ना तो इस व्यापार में ना तो कोई लॉस है, बिकॉज आपको रुपया नहीं लगा, तो रुपया नहीं लगा तो इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं है, अपलाइन आपका बॉस नहीं है तो कोई डर नहीं है। तो एट लास्ट होता क्या है कि आदमी इसको प्रायोरिटी में नहीं लेता इस बिजनेस को, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं ये कंपनी आपको प्लेटफॉर्म दे रही है। तो ये तीन जो प्रॉब्लम मैंने बोली, फर्स्ट कि ज्वाइनिंग फ्री है, सेकंड ट्रेनिंग फ्री में दे रही है कंपनी, थर्ड कि आपका जो अपलाइन है वो आपका बॉस नहीं है, आप अपने खुद के बॉस हैं। बट अगर कोई इसको अच्छे से करे तो यही ये तीनों जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बोली, यही तीन इस कंपनी की USP है कि कंपनी अगर क्योंकि फ्री में ज्वाइनिंग है तो आप इसको अच्छे से फ्री में ज्वाइन करके आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको इस चीज़ से कोई डर नहीं होता कि कंपनी आपका कोई रुपया लेके भागने वाली है, क्योंकि आपको कुछ लगा ही नहीं है। तो आप इस काम को अगर अच्छे से करें तो ये तीन जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी कह सकते हैं आप। तो फॉरएवर बिजनेस में ये मुझे बस यही तीन प्रॉब्लम ही मुझे दिखी, और ये तीन प्रॉब्लम को मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी लेता हूँ। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा आदमी को अगर थोड़ा सा इसको इस बिज़नेस को थोड़ा सा प्रायोरिटी में ले, इसको अच्छे से समझे, इसको अच्छे से करे, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर अगर ड्रीम्स हैं तो ये कंपनी आपको प्लेटफॉर्म दे रही है। अच्छी बात ये वेलनेस इंडस्ट्री है, आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, तो सही टाइम पे सही इंडस्ट्री को पकड़ लिया जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे मतलब दौर आते हैं, कभी स्टील का दौर था, कपड़ों का दौर था, कंप्यूटर का दौर था, अब आगे आने वाला जो दौर है वो वेलनेस का दौर है। तो वेलनेस का दौर आने वाला है, और आप इस इंडस्ट्री को पकड़ लीजिए। ये तीन प्रॉब्लम्स यही तीन जो प्रॉब्लम्स हैं यही तीन इस कंपनी की USP है।